हरियाणा प्रदेश में नई बीजेपी सरकार बनने के बाद नायब सैनी ने शपथ लेते ही एससी एसटी के कोटे में कोटा यानी जो वर्गीकरण है उसको लागू कर दिया हरियाणा प्रदेश में। और वहीं इससे पहले कांग्रेस ने भी लागू किया है एससी एसटी में वर्गीकरण। तेलंगाना में उनकी सरकार है वहां पर उन्होंने इसको लागू कर दिया है। और अब बीजेपी कांग्रेस कितना ज़्यादा दलित विरोधी है ये सभी को पता चल गया है, और कितना ज़्यादा दलितों के लिए सही काम कर रही है और कितना गलत काम कर रही है ये अब किसी से छुपा नहीं है। मगर फिर भी दलित समाज कभी बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देता है और कभी कांग्रेस को हटाने के लिए बीजेपी को वोट देता है, ऐसे में करके अपनी जो उनकी हितैषी पार्टी है उसको छोड़ देता है। ये बड़ा सवाल है बहुजन समाज के सभी लोगों से जो दलित समाज से खासकर हैं। और वहीं साथियों, इससे पहले भी कांग्रेस ने तेलंगाना में लागू किया था एससी एसटी का वर्गीकरण, और अभी फिलहाल नई सरकार बनने के बाद हरियाणा में भी लागू कर दिया एससी का वर्गीकरण। तो साथियों, इसी पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती भड़क चुकी है, उनका बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा इस मामले पर सरकार को घेरते हुए, और बीजेपी सहित कांग्रेस पर क्या कुछ कह डाला है इस मामले को लेकर? तो बहन जी की जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथियों, मैं अखिलेश कुमार हूँ, आप देख रहे हैं AKG मीडिया। साथियों, बहन जी ने इसकी जानकारी अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से पोस्ट कर लिखा है, हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण के कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने व उन्हें आपस में लड़ते रहने का षड्यंत्र। बैंजन साहब साहब कहा है दलितों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है ये जो एससी का कोटे में कोटा का विधवत उन्होंने लागू किया हरियाणा प्रदेश में। वहीं आगे लिखा है, यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। बहन जी ने वही कहा, यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि आरक्षण विरोधी निर्णय है ये सरकार का जो हरियाणा प्रदेश में लागू किया है। वही आगे लिखा है, हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से भी यह साबित है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अंत में इसे समाप्त करने का षड्यंत्र में लगी है जो घोर अनुचित व बीएसपी इसकी घोर विरोधी है। साथी बजन ने कहा, साफ साफ जिस तरीके से पहले कांग्रेस इसकी विरोधी रही है, इसको निष्प्रभावी बनाकर इसको खत्म करने का काम कर रही है, तो वहीं अब बीजेपी भी इसका सही काम उसी कंडीशन में कर रही है। कहा है बीएसपी इसकी घोर विरोधी है। तो बहन जी ने वही दो बयान लिखा है इस पर, और वही आगे लिखा जो आपको बताते हैं, वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा एससी एसटी व ओबीसी समाज में फूट डालो राज करो व इनके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का ही नाम बीएसपी है। इन वर्गों को संगठित एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। साथ में ने कहा, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि जातिवादी पार्टियों ने कहा है फूट डालो राज करो, तो उसी को पीछे छोड़ते हुए संघर्ष कर रही है बीएसपी। और बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजनों के हित और बहुजनों के सम्मान की काम करती है। ये बहन जी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी इस मामले पर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जोड़ देना, वीडियो को एंड तक देखेंगे। दिल से धन्यवाद सभी साथियों को। जय भीम नमो बुद्धाय सभी साथियों।